जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, द फ्यूचर प्लान्स ऑफ इसरो। व्हाट नेक्स्ट फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर चंद्रयान 3, 5 अपकमिंग इंडियन स्पेस मिशंस इन 2024, एंड इट वॉज मैंशन बाय द पी वीरा मुथुल, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इसरो, रिगार्डिंग अ मीटिंग ही कंडक्टेड। इंडिया हैज चार्टेड अ स्पेस रोड मैप फॉर अप टू 2047, सेज चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट चीफ। तो चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट चीफ के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि इसरो के पास में 2047 तक रोड मैप जारी हो चुका है, उस तरफ उस दिशा के अंदर वर्क किया जाएगा इसरो के द्वारा। पी वीरा मुथुवल जो प्रोजेक्ट चीफ रहे थे चंद्रयान 3 के, उनके द्वारा ऐसा कहना है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चूज टू लैंड चंद्रयान इन द साउथ पोल ऑफ द मून बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ मोर रिसोर्सेस फॉर द फ्यूल। तो चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड कराया गया? साउथ पोल ऑफ द मून पर लैंड कराया। ही वॉज डिलीवरिंग द 6th मणिकम रामेश्वरम मेमोरियम लेक्चर एट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। पी वीरा मुथुवल सेड इंडिया हैड अ रोड मैप फॉर इट्स स्पेस प्रोग्राम टिल 2047। तो इन्होंने अपने एक स्पीच के दौरान बताया कि 2047 तक भारत का स्पेस रोड मैप जारी हो चुका है और उस दिशा में वर्क किया जा रहा है। द इसरो वांटेड टू सेट अप इट्स स्पेस स्टेशन। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की बात की गई है, साथ ही 2040 तक भारत का पहला मून मिशन स्थापित करने की बात की जा रही है। ये विजन नरेंद्र मोदी जी ने इसरो को दिया था। रिसेंट रन में हमने इसके बारे में बात किया था। चलिए डिटेलिंग्स देखते हैं, कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो इसरो आने वाले समय में लॉन्च करने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनसेट 3DS के बारे में। द इनसेट 3DS इज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम सीरीज डेवलप्ड बाय इसरो। तो इनसेट का पार्ट है यहाँ पर इसरो के द्वारा डेवलप करने वाला एक सैटेलाइट, और इसको जनवरी में लॉन्च किया जाएगा, दैट इज इन द ईयर 2024। 2024 के जनवरी में टेंटेटिव है इसको लॉन्च करने की बात की रही है। और ये क्या वर्क करेगा? टू मॉनिटर एंड गेयर मोर नॉलेज अबाउट वेदर सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंट मीटियोरोलॉजिकल फोरकास्ट। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा भारत के लिए वेदर सिस्टम को नॉलेज गेन करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्क करने के लिए, और इम्पोर्टेंट मीटियोरोलॉजिकल फोरकास्ट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इनसेट 3DS को लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो अपकमिंग इसरो का सेटअप है, दैट इज गगनयान मिशन। ये भारत का पहला मेडन मिशन है जो जॉइंटली प्रिपेयर किया जा रहा है इसरो एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। इट इज सेटअप टू टेक ऑफ जनवरी और फेब्रवरी 2024 2025 के अंदर इसको सेटअप किया गया है। अ टेस्ट फ्लाइट टू प्रिपेयर इंडिया मैंड स्पेस मिशन सेट टू कैरी 3 क्रू मेंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला मैंड मिशन टू द स्पेस। अगर इसकी डिटेलिंग के बारे में हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं भारत के पहले मैंड मिशन के अंदर जिसको GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल Mk-3 लिफ्ट ऑफ फ्रॉम हरिकोटा। श्री हरिकोटा से GSLV Mk-3 को लॉन्च किया जाएगा। 16 मिनट ये लेगा लो अर्थ ऑर्बिट पर। लो अर्थ ऑर्बिट पर 5 से 7 दिन के लिए स्थापित किया जाएगा हमारे मैंड मिशन को, एंड देन डी बूस्ट किया जाएगा, सेपरेशन कंडक्ट किया जाएगा और पैराशूट डिप्लॉय करके इसे स्प्लैश डाउन किया जाएगा। इसी तरीके का TVD-1 सेट हाल ही के अंदर में सक्सेसफुली इसरो के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और इसरो ने गगनयान मिशन के लेकर पहली बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी TVD-1 सेट मिशन के साथ में। चलिए 5 से 7 दिन तक स्पेस में रहेंगे यहाँ पर हमारे 3 पर्सोनल, जिसमें 2 मैन होंगे और 1 नेसेसरीली टू बी वुमेन। एक व्योमित्र डेवलप किया गया था, रोबोट था जिसे मैंड मिशन के लिए ही यहां पर यूज किया जाएगा। इसी गगनयान मिशन के साथ में भारत दुनिया के अंदर चौथा देश बनेगा आफ्टर US, रशिया एंड चाइना टू कंडक्ट अ मैंड स्पेस फ्लाइट मिशन। एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन कंडक्ट करने वाला वर्ल्ड के अंदर महज चौथा ही देश बनेगा भारत गगनयान मिशन को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के बाद। अगर इसके बजट के बारे में बात किया जाए, 10,000 करोड़ रुपीस यहां पर बजट रखा गया था इसे। चलिए
आगे बढ़ते हैं यहां पर। नेक्स्ट मिशन के बारे में बात किया जाए, नासा और इसरो ने मिलकर एक प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की बात की है, दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। निसार इसका नाम रखा गया है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो, वेर द टू स्पेस एजेंसीज हैव पार्टनर टू लॉन्च अ सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट। तो नासा एंड इसरो ने मिलकर निसार को लॉन्च करने की प्लानिंग की है। इसे भी जनवरी के अंदर ही लॉन्च करने की प्लानिंग की गई है। इट विल बी द फर्स्ट ड्यूल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट, पहली ड्यूल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट डेवलप करने की बात की गई है। चलिए, सो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार डेट इज निसार। निसार विल बी वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ US डॉलर 1.5 बिलियन। तो वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव सैटेलाइट बनने जा रही है यहां पर निसार, जिसकी कॉस्ट 1.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इट विल ऑल्सो बिकम वर्ल्ड की पहली रडार सैटेलाइट टू ऑपरेट ऑन ड्यूल फ्रिक्वेंसी। ड्यूल फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाली वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट बनेगा निसार। चलिए, ये दोनों निसार प्रोजेक्ट जो है, नासा और इसरो का प्रोजेक्ट है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए एक ग्रेटर रेजोल्यूशन पर, जिससे प्रोसेसेस लाइक वॉल्केनोस, अर्थक्वेक, इकोसिस्टम डिस्टरबेंसेस, वेरियस हैजार्ड्स को अवलोकन करने में हमें कामयाबी मिलेगी। निसार इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन 2021 बट वॉज डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। चलिए, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, दिस इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ इसरो। द सैटेलाइट विल बी लॉन्च टू स्टडी विथ पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेस। कॉस्मिक एक्सरेस को स्टडी करने के लिए यहां पर पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा और इसे 5 साल के लिए वहां पर स्थापित किया जाएगा। 2024 के स्टार्टिंग मंथ्स के अंदर इसकी प्लानिंग की गई है लॉन्च करने की। इसका एम के बारे में बात किया जाए, इट विल बी यूज टू ऑब्जर्व पल्सर्स, ब्लैक होल्स, एक्सरे बाइनरीज, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिय एंड नॉन थर्मल सुपरनोवा रेमिनेंट्स। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहेगा यहां पर इसरो का। अगर आगे हम बात करें वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में, इसरो ने इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात की है, टू लॉन्च अ स्पेस क्राफ्ट टू ऑर्बिट द प्लैनेट वीनस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री। भारत के इतिहास के अंदर पहली बार हम वीनस को ऑर्बिट करने के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है वीनस ऑर्बिटर मिशन। 2025 इसे रखा गया है टाइमिंग, और दिस स्पेस क्राफ्ट विल ऑर्बिट वीनस फॉर 5 ईयर्स टू स्टडी द एटमोस्फियर ऑफ प्लेनेट। अर्थ के ट्विन कहा जाने वाला प्लेनेट वीनस को स्टडी करने के लिए यहां पर विनस ऑर्बिटर मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन रहेगा, जिससे हमें पता चला पाएगा कि यहां पर कि विनस की स्टडी क्या है, विनस का एटमॉस्फेयर क्या है। चलिए, नेक्स्ट हम मिशन के बारे में बात करते हैं, भारतीय स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन को स्थापित करने की बात की गई है 2035 तक। नरेंद्र मोदी ने हाल ही के अंदर चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद में ये विजन दिया कि भारत एम करे 2035 तक इंडियन स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने के, जो कि प्योरली इंडिजियसली मैड हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान को बूस्ट करे, इसलिए 2035 तक इसको एम किया जाए। इसके बाद अगर बात किया जाए इंडियन ऑन द मून मिशन 2040, भारत का पहला मैंड मून मिशन 2040 तक कंडक्ट कराने का विजन दिया गया है। तो भारत मून पर लैंडिंग किया है, साउथ पोल पर वर्ल्ड के अंदर पहला कंट्री बना है, और चाहता है भारत की मून मिशन भी 2040 तक भारत अचीव कर पाए। चलिए, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में हम बात करें यहां पर, तो इंडिया डिसाइडेड टू गो टू द स्पेस व्हेन इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनको स्पार वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1962 के अंदर इनको स्पार को सेटअप किया गया, किसके सुपरविजन के अंदर, किसके विजन के अंदर, डेट इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के विजनरी रहा था यहाँ पर इसरो, और 1969 में इसका गठन किया गया टू डेवलप एंड हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी इन द नेशनल डेवलपमेंट, और स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस साइंस रिसर्च के लिए इसरो का डेवलपमेंट किया गया।
चलें, यहाँ पर आप दो विजनरी पर्सन देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू, के सिवान एंड एस सोमनाथन जी, फॉर्मर चीफ ऑफ इसरो के सिवान ड्यूरिंग द चंद्रयान टू मिशन एंड करंट चीफ ऑफ इसरो एस सोमनाथन ड्यूरिंग द मिशन ऑफ इसरो चंद्रयान थ्री। तो यहाँ पर ये दोनों पर्सन की वजह से संभव हो पाए हमारे चंद्रयान टू एंड चंद्रयान थ्री मिशन। चलिए, सो इसरो इज द स्पेस एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु कर्नाटका। बेंगलुरु कर्नाटका सिटी के अंदर हेडक्वार्टर है आपका स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विजन क्या है इसका? नेशनल डेवलपमेंट, स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग आर्म है इसरो का फॉर द प्रमोशन एंड कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज बाय द इसरो। श्री एस सोमनाथ जी इज द इनक्यूमेंट चेयरमैन ऑफ द इसरो। करंट आपके चेयरमैन है यहाँ पर इसरो के, एस सोमनाथ जी। इफ यू टॉक अबाउट वेरियस लॉन्चिंग व्हीकल्स ऑफ इसरो, सबसे पहले बात किया जाए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज रिकॉर्डेड एज एस एल वी, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दैट इज एस ASLV, PSLV के बारे में बात किया जाए पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV मार्क वन एंड मार्क टू जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री। भारत का सबसे हेवीएस्ट लॉन्चिंग व्हीकल है GSLV मार्क थ्री। इसकी क्षमता के बारे में बात किया जाए तो 629 टन तक इसकी क्षमता है, वेट है, और पेलोड कैपेसिटी इसकी 4000 kg तक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारा GSLV MK3। चलिए, इसी सब इंफॉर्मेशन के साथ में आई होप आपको पता चल पाया होगा कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है इसरो के, इसरो किस दिशा में काम करने जा रहा है, 2047 तक भारत का क्या रोड मैप रहेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में स्टडी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर। माई सेल्फ उज्ज्वल साइनिंग इट ऑफ। जय हिंद, जय भारत।